बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, बोरोन, इनके जो कार्बाइड्स है ना, उनका हाइड्रोलाइसिस है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दे रखा है और इनऑर्गेनिक में भी दे रखा है। पूरी चीजें एनसीईआरटी की बता रहा हूँ, ठीक है। जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस ऑर्गेनिक में दे रखा है, बाकी बचे हुए इनऑर्गेनिक में दे रखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, सारी चीजें एनसीईआरटी की है, एक बार समझ लो। मेनली जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बाइड्स है ना, ये दे रखे हैं आपको कि जो एल्काइन है उसको बनाने का मेथड क्या है। एल्काइन बनाने का मेथड हाइड्रोकार्बन में दे रखा है ये। तो एल्काइन देखो, यहाँ से एल्काइन बन रही है, ये एल्काइन बन रही है। तो आप क्या करो, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एसिटिलाइन जो बनेगा, ये आपका एल्काइन हो गया ना, तो इसका ये हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको मिलता है, ठीक है, एसिटिलीन। ओके, मैग्नीशियम से ये मिलेगा। अगर एल्युमिनियम कार्बाइड का आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो CH4 मिलता है। बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपको CH4 मेथेन मिलता है। और सिलिकॉन के कार्बाइड या बोरोन के जो कार्बाइड है उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। इनका हाइड्रोलाइसिस होगा 4 का और इनका 2 का नहीं होगा हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो ये बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में दे रखी है। एक साथ सारी चीजें एक साथ करके बता रहा हूं। देखो, कार्बाइड्स में आप ध्यान दे लो कि जो ये दो कार्बाइड्स हैं, ये एल्काइन बनाएंगे। एल्युमिनियम और जो बेरियम है, इसके कार्बाइड्स CH4 मेथेन बनाते हैं, और सिलिकॉन और बोरोन के कार्बाइड्स हाइड्रोलाइसिस नहीं कर देते हैं। ओके, थैंक यू।